ओ भाई ओ तेरी। तो गाइस हमसे अकेले से हो नहीं पा रहा था तो हमने हेल्प मांगी है। अरे मैं नीचे से पकड़ रहा हूँ तो इसे खींच। टंकी उड़ा है ये, इसको साइड में रख दे। डब्बा रख दिया, रुक जा अबे रुक जा। तो गाइस एक आता है बड़ा डब्बा जो कि ये है, फिर आता है बहुत बड़ा डब्बा, नहीं फेंकी मत दे दे इधर, फिर आता है अमेजोन का डब्बा। ओ तो आज है अपने पास इन्फिनिटी का 4.1 चैनल, होम थिएटर भी कह सकते हो उसको तुम, और स्पीकर सिस्टम बेसिकली। और तुम्हें एक जानकारी देता हूँ, इन्फिनिटी बाय JBL है, JBL बाय हरमान है, और हरमान बाय सैमसंग है। तो ये सारे ब्रांड किसके हैं? सैमसंग के। हल्के में ले रहे हो क्या? सब खरीद डालेंगे। और इसका नाम है हार्ड रॉक 410, कड़ा पत्थर, मतलब पत्थर फोड़ देगा ये अपनी आवाज से फुल ताकत के साथ। तो वैसे ही अपने चैनल पे स्पीकर की दूसरी वीडियो है, इससे पहले जो हमने छोटा स्पीकर रिव्यू किया था वो भी इन्फिनिटी का ही था, तो इन्फिनिटी से लगता है प्यार हो गया हमको। तो जो भी बंदा एक स्पीकर सिस्टम खरीदने की सोच रहा है, और अगर नहीं भी सोच रहे तो मजे लेने के लिए देख लो। तो शुरू करते वाली वीडियो को, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस देखो, सारे भाई बंधु आपस में। तो सबसे पहले मिलती है इसकी एक यूजर मैनुअल, जिसे मैं कहूंगा कि मत फेंकना क्योंकि तुम्हें इससे सेटअप की जानकारी मिल जाएगी। ये कुछ इसके साथ हमें तारे वारे मिलती हैं, इसमें प्लग आता है, इनपुट केबल, ये एक रिमोट, इसके साथ साथ एक और रिमोट मिलता हमें। बॉक्स पे एक रिमोट मेंशन था लेकिन डब्बे के अंदर दो रिमोट मिले, तो गिफ्ट समझ के रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम गिफ्ट अच्छे लगते हैं हमको। तो भाई अब डब्बा पलटना पड़ेगा ताकि ये हम इसे खोल सके, तो सीख लो कैसे खोलते हैं। तो पलटने के बाद इसका घूंघट उठा देना। ओहो ओ भाई, तो ये अपना सबवूफर, तुम्हें छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये वाइड एंगल लेंस है, एक्चुअल में बड़ा है काफी। तो ये अपना एक स्पीकर है और इसके साथ हमें ये वाला इनपुट मिलता है। तो तुम्हें टोटल चार ऐसे स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक एक यार क्या खोलू, सारे सेम ही दिखते हैं। और चारों के अंदर हमें एक यहाँ पर ट्वीटर मिलता है और ये हमें स्पीकर मिलता है मेन, और ऐसे देख के भारी लग रहा होगा लेकिन उठाने में हल्का है। टोटल ये 8 किलो का सिस्टम है भाई। तो भाई ये है अपना एक बड़ा विशाल सा सबवूफर और इसके अंदर लाइट भी हमें मिलती है। तो ये पूरा सिस्टम 200 वॉट्स का पीक आउटपुट देता है हमें, और 4.1 चैनल है, जैसा कि तुमने देख लिया कि हमें इसके साथ चार स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है। और ये पूरा सिस्टम ब्लूटूथ सपोर्टेड है, और इसके साथ हमें 6.5 इंचेस का एक वुडन कैबिनेट वाला सबवूफर मिलता है, और इसके अंदर हमें 3 इक्विलाइजर मोड्स भी मिलेंगे, मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के लिए। ये हुई ना अपनी वाली बात। और इसके अंदर मुझे एक फीचर काफी तगड़ा लगा, इसके अंदर है इको मोड, मतलब अगर तुम इसे यूज नहीं कर रहे तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे चला जाएगा ताकि पावर बचा सके। अच्छी बात है, थोड़ी बिजली भी बच जाएगी। पर हाँ, ये पूरा स्पीकर सिस्टम मैंने अपने लिए नहीं लिया, कहीं तुम सोच रहे हो कि भाई आयुष भाई घना अमीर हो रहा है, मांग के अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है, तुम्हें नहीं पता। इसी मेहनत के लिए लाइक मार दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, लाल बटन को ग्रे मार के बेल आइकन ऑल कर दिया करो ऐसी वीडियोस के लिए। तो सबवूफर के पीछे हमें सबसे पहले एक पावर आउटपुट मिलता है, फिर यहाँ से तुम इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये वाले जो चार छेद है ये तुम्हारे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, लेफ्ट राइट इस पे सब कुछ मेंशन है। और ये वाले जो दो पोर्ट है ये अपने इनपुट के लिए है, ये वाली तार इसको तुम इसमें घुसा देना, फिर तुम इसे अपने मोबाइल में लगा के गाने वाने बजा सकते हो। और ये अपने इको मोड के लिए, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि यहाँ से तुम ऑन ऑफ कर सकते हो कि भाई ताकि ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड पे चला जाए बिजली बचाने के लिए। और से हवा फेंकेगा फूल एकदम। तो ये पूरी इसकी शक्ल है, जाली लगी हुई है इसके आगे। इस सबवूफर के राइट साइड पे भी हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, ये एक मिलता है यूएसबी इनपुट के लिए, और यहाँ से तुम ऑन ऑफ और गाना प्ले पॉज वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हो, सारी चीजें तुम यहाँ से भी कर सकते हो। नहीं तो इसके साथ तुम्हें दो रिमोट मिलते हैं, उसे यूज करो। तो भाई अच्छा भला हमने यहाँ रखा है, अब हमारी तार नहीं पहुंच रही है, देख रहे हो तार कितनी मुश्किल से पहुंचाई है हमने, यहाँ भी नहीं पहुंच रही। व्यू देख रहे हो, व्यू भाई साहब, व्यू इसे कहते हैं व्यू, फुल बूम बाम की जाएगी आज। तो गाइस अपना स्पीकर तो चालू हो गया, और तुम देख सकते हो कुछ ऐसी तुम्हें मस्त सी लाइट देखने को मिलती है इसके अंदर। वैसे ये RGB नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर की है, लेकिन हाँ ये जैसे हमारे गाने बजेंगे ना तो मैंने सुना ये झपकती है। तो भाई अभी हमने इसको ब्लूटूथ मोड में डाला है, और ये देखो ये दिखा रहा है इन्फिनिटी हार्ड रॉक 410, ये पेयरिंग हो जाएगी, ये देखो ये कनेक्ट हो गया। तो भाई जो अपना रिमोट है, दो रिमोट है इसके साथ, मेरे को ऐसा भी लग रहा है बार बार कि मेरे को दो मिले हैं। भाई पता नहीं यार, देखो किस्मत है तुम्हारे भाई की, कभी कभी चमक जाती है। दोनों एकदम सेम है, मतलब एक खो जाए तो दूसरा तुम यूज कर लेना। और इन दोनों रिमोट के साथ हमें एक भी सेल नहीं दिया, 4 सेल फ्री देने चाहिए थे, रिमोट दे दिए दो भाई साहब, सेल नहीं दिया जा रहे इनसे। अब यार बाजार जाना पड़ेगा सेल लेने, हट यार सेटअप करके दिखाना था। चलो कोई नहीं, ले आएंगे तुम्हारे लिए सेल, कोई सेल लेने चलो, बाय गाइस।
पावर ऑन ऑफ के लिए दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, तो पावर ऑन ऑफ हो जाएगी इससे और ये कनेक्ट भी हो जाएगा, और ये अपनी लाइट को बंद या चालू करने के लिए, ये अपना ब्लूटूथ पे जाने के लिए, और अगर ऑक्स केबल से कनेक्ट करोगे तो ऑक्स पे कर देना, यूएसबी से है तो यूएसबी से कर देना, बटन दबाओगे अपना शिफ्ट हो जाएगा, समझदार है। और इससे तुम इसकी बेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से गाने आगे पीछे और प्ले पॉज हो जाएंगे। ये अपना गेमिंग के लिए, म्यूजिक के लिए और मूवी के लिए, जो इसमें तीन मोड मिलते हैं, और ये इससे तुम इसकी आवाज कम ज्यादा कर सकते हो। देखो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है हमने इसको, तो कम करेंगे आवाज तो देखो मोबाइल में कम हो रही है, और ज्यादा करेंगे तो ये मोबाइल, तो मतलब बेसिकली तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब गाने वाने बजाते हैं, इसकी साउंड टेस्ट करते हैं और बताते हैं तुम्हें कितनी धूम धूम करता है ये। बंद करो ये, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। तो भाई देखो मैंने इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर ली और इनको अरेंज भी अपने हिसाब से कर लिया, तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार कैसे, और तुम्हें भी इसकी आवाज सुना के दिखा देता हूँ। तो इसका जो सब वूफर है वो मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि बेस जो है ना जमीन पे रखने के बाद तुम्हें ज्यादा बेस आती है, तो इसलिए नीचे रख दिया। और एक स्पीकर हमने रखा है वहां पर, एक रखा है हमने यहाँ पर, एक इधर, चौथा इधर रखा हुआ है। और वायर की लेंथ की बात करें तो सारी वायर जो है ना वो इस स्पीकर से निकल के आ रही है, तो थोड़ी बहुत वायर तो देखो यहाँ बची हुई है, लेकिन इस वाले स्पीकर की तार सबसे लंबी है। तो दो की तार तो काफी लंबी है, मतलब तुम दूर तक फैला सकते हो, और दो की छोटी, तो मतलब दो को तुम सबवूफर के पास रखना, बाकी के दो स्पीकर तुम दूर भी रख सकते हो। और अगर तुम्हें होम थिएटर बनाने लाइक दीवारों तक पहुंचानी है तार, तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा तार लगानी पड़ती है, वो अगर तुम किसी से फिटिंग करवाओगे तो वो अपने आप तुम्हें दे देंगे, या तुम खुद भी कर लेना, समझदार हो। तो अभी इंफिनिटी वाले की आवाज सुनो कैसी है। तो भाई ये थी इसकी साउंड, तुमने देखी लिया। और एक डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया कि अगर ऑक्स केबल से कनेक्ट करते हो और कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो तुम्हें कंपैरेटिवली ज्यादा आवाज सुनाई देगी, मोबाइल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लाउडनेस में, तो कंप्यूटर में थोड़ी ज्यादा लाउड आती है, बाकी दोनों में तुम्हें बहुत तगड़ी आवाज सुनाई देगी। और ब्लूटूथ, ऑक्स केबल और जितने भी मोड्स हैं इसके आराम से सारी चीजें काम करती है, तो मैंने सारी चीज एकदम ढंग से टेस्ट वेस्ट करके देख लिया। अब अगर फाइनल कंक्लूजन दूं, क्योंकि वो तो तुम्हें पता ही हम देते ही हर बार, तो भाई मेरी टेस्टिंग में इसकी जो साउंड मुझे लगी ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी तगड़ी, इतनी ज्यादा लाउड साउंड है, और मतलब मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि यार 200 वॉट्स का स्पीकर है और उसकी इतनी ज्यादा तगड़ी साउंड है। कोई शक नहीं है जिस प्राइस पे आ रहा है, कुछ 8-9 हज़ार का इसका प्राइस है, रिग्रेट नहीं करोगे इसकी आवाज को, इतनी तगड़ी आवाज है। और अगर इसकी कमियां बताऊं तो मुझे 2-3 चीजों की कमी इसके अंदर लगी जो मेरे हिसाब से आज के टाइम में होनी चाहिए थी। तो पहली कमी तो ये लगी कि रिमोट से अगर हम इसके मोड्स को चेंज करते हैं, लाइक म्यूजिक में, गेमिंग में, या फिर मूवी के अंदर अगर हम चेंज करते हैं, या फिर ब्लूटूथ से ऑक्स में जाते हैं, और मतलब पता नहीं चलता कि वो चीज एक्टिवेट हुई या फिर नहीं, तो वो चेक करने के लिए तुम्हें पहले गाना बजाना पड़ेगा, गाना बजा करके ही तुम्हें फर्क पता चलेगा, हाँ भाई मोड चेंज हो रहे हैं। तो छोटी सी डिस्प्ले होती जिसमें हमें ये चीजें दिख जाती, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सही थी। लेकिन हाँ, इस प्राइस के हिसाब से इसके अंदर जो तुम्हें साउंड मिल रही है वो देखते हुए मैं इस कमी को नेगलेक्ट कर दूंगा। सारे मिड्स, हाइज, ट्रेबल, बेस सब बढ़िया भाई सब। तो भाई मैं तो तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये वाला स्पीकर, तुम खरीद सकते हो 8,000 रुपए के प्राइसिंग के अंदर। तो अगर खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के तुम चाहो तो खरीद सकते हो। इतना ही था इस वाले स्पीकर के बारे में। अगर तुम्हें पसंद आया हो, कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया तुम्हारे भाई ने स्पीकर का रिव्यू ला करके, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो भाई, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे ऑल कर दो। तो हम मिलते हैं तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। आई एम नर्वस गाइस, आई एम नर्वस। स्टाइल में कट मार दिया, पता नहीं लगेगा या नहीं। गंद मचा दिया भाई, सब गंद मच गया, देखो नहीं है, तुम खुद ही लगा लोगे, पता है मेरे को, होशियार हो तुम, सिखा रखा इतना तो मैंने तुम्हें। बाय गाइस।